देखो अयोध्या मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में होगा, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। यहां का संदेश स्पष्ट होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं, अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढी हुई नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं, अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें, यह हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है, जिन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था, तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में, जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरागत परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो, उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पर संदेह होता है। इनके द्वारा क्या कुछ अयोध्या में नहीं किया गया, कोई राम का नाम ले ले, जय श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर लाठी और गोली चलती थी। और आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा, प्रभु राम के समय का स्मरण हो आएगा। हेमा मालिनी जी तो अयोध्या गई थी, उन्होंने प्रभु राम के सामने मंचन किया और वे स्वयं भयभूत थी वहां देख करके। अयोध्या पहले पतली गलियां थी, कुंज गलियां थी, मथुरा वृंदावन की तरह ही कुंज गलियां थी, और आज आप जाके देखिए 4 लेन और 6 लेन आपको दिखाई देगा वहां पूरा। हर व्यक्ति खुश है, व्यापारी खुश है, वहां का नागरिक खुश है,
होटल संचालक खुश है, रेस्टोरेंट संचालक खुश है, फूल पत्ती बेचने वाला खुश है, टैक्सी चालक खुश है, नाविक खुश है, और सबको खुशी इस बात की है कि 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में प्रभु रामलला के विराजमान हो गए हैं और उनकी स्तब्धि कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई है। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे, हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइनअप कर दिया है। सरकार का काम है लाइनअप करना और उस पे फंड उपलब्ध कराना, जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रज भूमि पर। अब ब्रज भूमि पर ये पूरा पैसा देने जा रहे हैं। 84 कोसी की बात हो रही थी, परिक्रमा की बात हो रही थी, गोवर्धन परिक्रमा हो, बरसाना की हो, यहां की जितने भी होंगे इन सबको भी हम यहां की भावनाओं के रूप ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, या यमुना मैया की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, या यहां के कुंडों के बारे में, या यहां पे गौ माता की सेवा और उसके संरक्षण के लिए, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यहां से चुनाव जीत करके भी तीसरी बार पिछले दो रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हेमा मालिनी जी फिर संसद में जाए। और यहां का संदेश देखो, अयोध्या मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। यहां का संदेश स्पष्ट होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, काशी का काम भी हो गया है, अब मथुरा इंतजार कर रहा था, मथुरा वृंदावन के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार हेमा जी को फिर से यहां से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगेगा, भाजपा राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता लगेगा और भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को देशवासियों के सामने रखा है, उस विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मथुरा भी आवश्यक है। हमारे पास जो संभावना होगी हम उसी में विकास कराएंगे, जो संभावना होगी उसमें हम विकास करेंगे, जो क्षेत्र हमारे लिए सबसे सरल होगा, सबसे आसान होगा, उसमें हम कार्य करेंगे। हमारे पास सबसे अच्छा है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, हम उसको विकसित करेंगे। यमुना मैया में इसकी शुद्धि के साथ साथ जो कुछ भी अन्य कार्य करने होंगे हम लोग करेंगे। यमुना मैया की तो साक्षात कृपा हम पर बरसती है, आपने पिछली बार वैष्णो कुंभ को देखा होगा कितना शानदार तरीके से हुआ था, कुंभ का आयोजन से लेकर के कार्यक्रम के समारोह तक, पूर्णाहुति तक कोई विघ्न बाधा नहीं, और जैसे कुंभ की पूर्णाहुति होती है उसके बाद पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी की चपेट में कैसे देश आया था, उस समय कितना लग रहा था हम लोग, आप सोचो अगर यहां पे कुंभ के दौरान होता क्या स्थिति होती। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली है कि यमुना मैया की कृपा थी, राधे रानी की कृपा थी, कृष्ण कन्हैया की कृपा थी कि ये सारे कार्यक्रम हमारे सकुशल संपन्न हुए।